इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा भरत भैया से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, निषाद जी से भी मिले। भरत भैया शत्रुघ्न जी ने मेरी माँ के चरण रज के माथे लगाए। सब विधि सा नुकूल लख सीता भे निसो चबुर यहाँ एक बड़ी मधुर शिक्षा है। घर में, परिवार में भूल से भी पुरुष को स्त्री से झगड़ा नहीं करना। स्त्री स्त्री की झगड़ा तो समझ में आने की बात है, पुरुष स्त्री से लड़ने लगे, सिर फुटबल हो जाए, ये चरित्र नहीं है। माताएं आपस में करें, अच्छा कोई बात नहीं, चलो माता लोगों का तो चलता रहता है। पुरुष को जब भी संवाद करना तो पुरुष से करना, माता लोगों से नहीं करना। माताएं आपस में राम चर्चा करती हैं, माताओं का आपस का झंझट, बच्चों का झंझट, ये तो भैया पानी का बुलबुला अभी हुआ फिर एक हो गए। पुरुष को कदापि इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। महाभारत की शुरुआत यहीं से है। जब मध्य में माँ द्रौपदी पधारी हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनके संकल्प के लिए महाभारत करवा दिया। क्यों? इतना बड़ा धर्म कदापि नहीं। जीवन की यात्रा में इसका सर्वकाल स्मरण रखना चाहिए। पुरुष को पुरुष तक, माताओं तक चर्चा नहीं। माँ को अनुकूल जानकर भरत जी गदगद हो गए। सब विधि सानुकूल लख सीता भे निसोच उर सोच रहित हो गए भरत जी महाराज, डर समाप्त हो गया। अरे देखो, भगवान माँ भगवती किसी जीव से रुष्ट नहीं होते, और जीव का स्वभाव है वो किसी से संतुष्ट नहीं रहता है। भगवान किसे रुष्ट हो? भगवान किसी से संतुष्ट नहीं होते, भगवान किसी से नाराज नहीं होते। भगवान का आवेश भी मारीज कहता है विश्राम दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। जिनके क्रोध करने पर भी जीव का कल्याण होता है, ऐसे प्रभु का मैं दर्शन करूंगा। भगवान अपने कमलवत कर से हमको समाप्त करके अपने में ले लेंगे। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान। क्यों? अंतर प्रेमता सही चाल है। क्या लीला है हो, ठाकुर की बड़ी लीला है। निषाद जी ने अवसर पाकर कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान, गुरु माँ माताएं भी आई हैं, गुरुदेव आए हैं ऐसा सुनकर मेरे प्रभु शत्रुघ्न जी को सीता मैया के पास रख दिए और दौड़ चले। क्यों? गुरु जी आए हैं, मेरे गुरुदेव आए। चले सबे राम ते ही काला धीर धर्म दीन। जीवन इसलिए नहीं कि लोग प्रशंसा करें, जीवन इसलिए कि हम हमारी प्रशंसा कर सके। कहां शीशे से हमारा जीवन दूसरा बताए क्या अर्थ है? बड़े शालीन हैं, बड़े धर्मशील हैं, बड़े भगत जी हैं, बेकार की बात है। हम हमारे बारे में क्या 10 पंक्ति लिख पाते हैं, ये हमारा जीवन है। हमारे बारे में दूसरा प्रमाण पत्र बनाए ये महत्व का नहीं है।
हम प्रमाण पत्र बनाने में सक्षम है क्या कि हमारा चरित्र उत्तम है, चित्त शांत है, हम साधन में रहते हैं, हम साधक हैं, हम भगत हैं? हम लिख सकते हैं क्या 10 पंक्ति तो हम श्रेष्ठ हैं? प्रभु ने दौड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरु माँ को वंदन किया, माताओं को प्रणाम किया, जितने लोग जिस भाव से आए थे भगवान ने सबका स्वागत किया। निषाद जी गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने प्रणाम किया। निषाद जी तो गुरुदेव माता सबको लेकर आए थे, लेकिन आज प्रभु ने प्रणाम करते निषाद जी को गुरु जी से मिलाया और परिचय कराया। प्रभु ये मेरे मित्र हैं निषाद राजगुह, वन में इन्हीं की सेवा हमारे लिए व्यवस्थित कर रही है। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, धरती पर बिखरे मानो प्रेम को ऋषिवर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। क्यों? बाबा को कहना पड़ा, ए हिसा मनी पटनी को इनके समान कोई नीच कुल का नहीं और भगवान वशिष्ठ जी जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं। कारण भगवान के परिचय कराने पर कि ये मेरे सखा हैं, गुरुदेव ने उनको समेट लिया। ये क्या है? ये मेरे सरकार की क्रांति है। देखो, जातिवाद ने भारतवर्ष का सनातन धर्म का बहुत नुकसान किया। व्यास आदि करो, खान पान भी खूब करो, परंतु मस्तिष्क में वाद से मुक्त हुई। वाद ने भैया बहुत विवाद पैदा कर दिया है। अब कहोगे महाराज क्या बोलते हैं? हम नहीं बोलते, मानस कहता है। भगवान ने शबरी अम्बा से कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ा, धन बल परिजन गुण चतुरा, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिध देखी ऐसा। जीवन में वाद का विवाद न उतरे। कई लोग तो बैठते ही पूछते हैं, के आस्पद हो, के विश्वा के हो, कहाँ के हो। पहला तो शोक सभा जो आश्रम पर उपस्थित हुई, गुरुदेव ने जगत की माइक चर्चा करके महाराज के महाप्राण की जब कथा सुनाई तो मेरे सरकार ऐसे रोने लगे जैसे महाराज का महाप्राण आज ही हुआ। बहुत समझाया गुरुदेव ने, परंतु किसी ने जल भी ग्रहण नहीं किया। श्रद्धेय मनुजी महाराज बताते हैं, सूतक कब कब कितने दिन कितने घंटे का रहता है। आप विदेश में बैठे हो, परिवार में कोई शोक होता है तो सूतक 2 दिन का, पास में हो तो जब तक उतर न जाए बाल, त्रयोदशा षोडश द्वादशा न निपट जाए तब तक सूतक का निर्वाह हो, परम भोज हो जाए फिर मुक्त हो। कहीं 2 का है, पुत्री का, पिता का, भाई का, पट्टीदार का, जाति का, अरे सुनाई भर पड़ गया संबंधी है तो का, सब विधि है। कितने दिन गुरुदेव भगवान ने बहुभांति समझाने का प्रयत्न किया अवधवासियों को, और केवल एक बार कंकड़ी से लेकर ब्रह्मा तक सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा चलती है।
तो मेरी तो आप सभी श्रेष्ठ जनों से ये चाह है कि राम जी की रुख को मानकर व्यवहार करने में भी हम सबका भला है, परंतु आप सबको भी कोई भाव आता हो तो आप कहो राम जी किस प्रकार अयोध्या जी चले वैसी रचना बनाई जाए। भरत जी गुरु शरण में उपस्थित हो गए, कोई बोल सका नहीं। देखिए यह तो हृदय में उतारी है, भगवान जब निर्णय ले लिए हैं तो भगवान धर्म पथ पर चले गए हैं और धर्म पथ आगे ले चलता है, पीछे नहीं लाता। मध्य में जनकराज महाराज का भी आगमन हुआ, जनक जी वशिष्ठ जी ने चर्चा की, किसी को भी कोई उपाय सूझता नहीं है कैसे राम जी से कहा जाए आप अवध चलिए। क्यों? धर्म का जो मूल सिद्धांत है उसमें कहीं प्रवेश संभव नहीं है, धर्म अपने सिद्धांत पर चलता है। धर्म सत्ता, धर्म की परिभाषा यहां हो कि वहां हो, चाहे जहां हो, अपरिवर्तनीय है। धर्म के सिद्धांत में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हवा है तो है, आकाश है तो है, जल है तो है, सूर्य भगवान है तो है, अग्नि है तो है, पृथ्वी है तो है, गंध है तो है, भगवान के द्वारा दिए गए तत्व और तन्मात्राएं जिस प्रकार है उसी प्रकार धर्म सिद्धांत है, ये अपरिवर्तनीय। और भगवान क्या है? धर्म के मूल है। तीसरी बैठकी, चौथी बैठकी, दूसरी में सब सभा भई है, फिर तीसरी में मंत्रणा हुई आपस में। गुरुदेव ने दो बात रखी, आप वन चले जाओ, राम लक्ष्मण जानकी घर चले। भरत जी ने कहा कानन करऊं जन्म भरी वासु, एते अधिक न मोर सुपासु। प्रभु आपने जो कहा सत्य कर दीजिए, हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं, लेकिन बदलता नहीं, धर्म पथ परिवर्तित नहीं होता। अधर्म और असत्य की सत्ता बार बार परिवर्तनशील है। हो देखिए, कोई ये कहे कि मैं सत्य बोल रहा हूं इसका मतलब वो झूठ भी बोलता है। मैं सत्य बोल रहा हूं ये कहने की क्या हो सकता है भाई, सत्य तो बोल ही रहे हो आप। सत्य बोल रहा हूं यह कहना पड़ रहा है, इसका ही अर्थ है असत्य भी बोला जाता है। सावधान, रामचरित्र में असत्य का प्रवेश नहीं है। क्यों? भगवान तो धर्म स्वरूप है, सत्य स्वरूप, और सत्य सदैव उपस्थित रहता है। इसलिए मेरे राम त्रेता द्वापर कलयुग अगले सतयुग चरित्र यही चलता रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये परिवर्तित नहीं होगा। सत्य की परंपराएं, अपने धर्म का क्या नाम है? सत्य सनातन धर्म। जो सत्य है सार्वत्रिक उपस्थिति है और सनातन है। सनातन माने न इसका आदि है न अंत है, वो भगवान है। और परंपराएं रीतियां आती जाती रहती हैं, लेकिन सनातन धर्म की परंपरा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण, माँ भगवती और शिव की सत्ता सर्वकाल अक्षुण है। गणपति भी इसमें अब परिवर्तनीय सत्ता है। सत्य कोई उपाय नहीं, कौन कहेगा चले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।